एडुकेटर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th SSC महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कल के पेपर के लिए साइंस 1 के लिए क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2020 के, 2021 में एक भी बोर्ड एग्जाम नहीं हुई थी। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपेरेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चेंज के साथ। आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम में 15 मिनट बढ़ाए गए हैं ये साल से। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जाम के वजह से अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुआ था। सो ये 15 मिनट जो है एक्स्ट्रा मिल चुके हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। अब बढ़ते हैं इस पेपर डिस्कशन की तरफ। और आपके लिए और एक स्पेशल सरप्राइज है हमारे चैनल की तरफ से कि आज के इस दिन में आपके लिए 3 वीडियोज आने वाली है इस सेम टॉपिक पे। सो आपको 3 पेपर का प्रैक्टिस करने मिलेगा आज के आज, और कल आप आपके बोर्ड एग्जाम फिर उन अच्छे पेपर्स के प्रैक्टिस के साथ दे पाओगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 जो कि है MCQ। उससे MCQ क्वेश्चंस जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कहा जा रहा है कि जो MCQ क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन लिखना जरूरी है, ठीक है। सो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन लिखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन 1A पूछा गया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ 1 और A ही लिखना है, बट उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आई करके उसका जो क्वेश्चन है पूरा द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक एरो कर लेना, वरना लिख लेना यहाँ पर आंसर। आंसर लिखने के बाद जो ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर ए होता है यहाँ पर, हालांकि आंसर क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके आंसर्स को मैं जरूर देख। सो यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल जो आंसर है उसका ऑप्शन यहाँ पर लिखना, मैं ओ लिख रहा हूँ ऑप्शन के लिए, और वो ऑप्शन का आंसर भी आपको वहां पर लिख लेना है। ये पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे, आपके मार्क्स बिल्कुल भी लूज नहीं होगी ये सिचुएशन में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले एक और सजेशन आपको देना चाहूंगा कि ये जो MCQ क्वेश्चंस है इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपके टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत सारे एक्सरसाइजेस आपको मिलेंगे। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लीजिए, उसमें से ही बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि उन क्वेश्चन को भी पूछा जाता है, सिर्फ कुछ वैल्यूज को चेंज किया जाता है। इसलिए वो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए साइंस 1 के विषय के लिए वो पहले सॉल्व कर लेना। इसके साथ आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन होगा, हमारे इस YouTube चैनल पे हम हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। इन सभी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द, और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। और इसी के साथ आपके 11th 12th के जर्नी में भी हम आपके साथ होने वाले हैं। पूरे 12th तक हम हमारा एजुकेशनल सपोर्ट एडुकेटर्स इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए चैनल के साथ इसके आगे भी जुड़े रहना। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। क्वेश्चन बी में आपको 5 मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स है, कोरिलेटेड आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल टॉर्च इज कॉनकेव लेंस, सो कैमरा में कौन सा लेंस यूज होता है डिस्क्रिप्शन में भी बताना। अब फाइंड द ऑड मैन आउट, यहाँ पर जिंक, आयन, फॉस्फोरस, सोडियम ये आपको पूछे गए, इसमें से ऑड मैन आउट आपको फाइंड करना है। इसका आंसर भी आप जरूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, जो जो छोटे आंसर्स है आप बता सकते हो। इसके बाद है ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C3H8। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए मार्क्स है, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स से है, इसका मतलब इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क का आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बढ़ते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चंस की तरफ। अब से क्वेश्चन 2 से आपको ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो गए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर, और आपको कोई भी 2 सवाल करने, इसका मतलब हर एक सवाल के लिए 2 मार्क्स का वेटेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर 2 मार्क्स का वेटेज है कोई क्वेश्चन के लिए तो उसमें 4 पॉइंट्स होना जरूरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऐसा जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट्स होने चाहिए। इसका मतलब हर एक पॉइंट जो आप लिखेंगे इसके लिए 0.5 मार्क्स आपको मिलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हालांकि ऐसे कुछ सिचुएशंस जहां पर आंसर ही 2 पॉइंट से कम है या 4 पॉइंट से कम है बट 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट कोशिश करना कि आप 4 पॉइंट लिखें अगर उसमें उतने पॉइंट्स है तो 2 मार्क्स के लिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में आपको फिर 6 मार्क्स का वेटेज मिलता है 3 क्वेश्चंस के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी आपको 2 मार्क्स के लिए हर एक सवाल होगा और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल आप और 5, मतलब 5 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 क्वेश्चंस करना है। सो साइंस के क्वेश्चन पेपर में आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए आप इन ऑप्शंस का सही इस्तेमाल करना। अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, वो आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद सॉल्व कर सकते हो,
बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ, उस चक्कर में हो क्या जाता है कि उनका पूरा पेपर कम्प्लीट ही नहीं हो पाता बिकॉज वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 छूट जाता है। सो ऐसा ना होने के लिए आपको पहले विदाउट ऑप्शन जो कहे गए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 5 सवाल सॉल्व करने हैं, 15 मार्क्स के वेटेज के लिए, मतलब हर एक सवाल के लिए 3 मार्क्स का वेटेज आपको यहाँ पर होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट हैवी वेटेज क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज अच्छी है कि सब क्वेश्चन दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स को कर लेना, प्रैक्टिस तो एटलीस्ट कर लेना सॉल्व एग्जाम्पल्स की, बिकॉज वो सॉल्व है आपको एक आइडिया लग जाएगा, या फिर जरूर एक बार देख तो लेना उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। और उसमें फॉर्मूलाज को भी मार्क्स होते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते हो उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फॉर्मूला जरूर लिखना अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। फिर अब यहाँ पर आपको 2 सब क्वेश्चन पूछे गए। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसका मार्क्स का वेटेज 1 हो सकता है, इसके 2 मार्क्स हो सकते हैं, या फिर दोनों को आधे आधे मार्क्स का 1.5 मार्क्स का वेटेज हो सकता है। इस प्रकार से जो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको अलग अलग सब क्वेश्चन में बांटा जाता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 मार्क का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, बट ये बहुत ईजी है बिकॉज इसमें 3 1-1 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, जो कि रिलेटिवली बहुत ज्यादा ईजी है। इसी प्रकार से आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली साइंस के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं, उनको लगता है कि अरे साइंस का पेपर है कैसे होगा क्या होगा, बिल्कुल मत डरिए। अब यहाँ पर आप जो क्वेश्चन 3 है उससे क्वेश्चन पेपर को एंड कर देते हो। टोटल क्वेश्चन 3 में आपको 4 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं अलग अलग ऑप्शंस के साथ। इसी के साथ आपका पेपर यहाँ पर एंड होता है। आशा करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी होगी। आपके लिए हमारे चैनल पे और 2 वीडियो साइंस 1 के क्वेश्चन पेपर की आने वाली है आज के आज, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकते। फिर एक बार मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।